गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 12 और जून और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड स्ट्रेटजीज। तो इस वीडियो के अंदर में लेट्स ट्राई टू फिगर आउट मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैं रेगुलरली इस तरह के वीडियोज बना रहा हूँ और आपको स्टॉक मार्केट का एक क्लैरिटी और एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे। स्क्रीन शेयरिंग करता हूं मैं आपके साथ में। या सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो यू नो आई ऑलवेज लुक एट डॉलर। तो डॉलर क्या कर रहा है और उससे हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है। सो दिस इज द चार्ट व्हिच आई फॉलोड। नीचे में है डॉलर इंडेक्स जो कि डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर में है निफ्टी डिवाइडेड बाय डॉलर इंडेक्स। ये एक चार्ट है, बट लेट मी जस्ट टेक यू टू सिंपल निफ्टी चार्ट along with dollar index. So dollar index ऊपर की तरफ है, dollar went down, हल्का सा dollar के अंदर में नीचे correction आया था, but dollar had some other plans. So dollar वापस से अभी ऊपर की तरफ चला गया है. And one of the reason why it has happened is कि US का yield curve वापस से reverse हो गया है. And in fact, 2-year yield curve, मतलब 2 साल का जो ब्याज का yield है वहाँ पे, वो all time high, बहुत high चला गया है. तो इसके कारण डॉलर के अंदर में स्ट्रेंथ है एंड दिस यील्ड कर्व हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। फ्राइडे को यूएस का डेटा आया था, वो भी हाई था, सो दैट मींस ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न बन गया एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप इन यूएस एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉलर इज गोइंग अप। और आपको पता है कि डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस आती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर मेनी मंथ्स नाउ और हमने देखा है ये कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई करता है। तो नाउ लेट्स गो टू निफ्टी एंड डॉलर इंडेक्स। सो व्हाट हैपेंड टू निफ्टी? निफ्टी वीक है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का वीक है, दिस वी हैव बीन ट्रैकिंग फॉर सम टाइम। इनफैक्ट इन माय प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट तीनों का एनालिसिस किया था, मैंने बोला था कि निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज सबसे क्रिटिकल है। जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा कन्विंसिंगली, कम से कम एक हफ्ता उस वीक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, देन ओनली आई विल बी कन्विंस्ड दैट यस मार्केट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग मूव। तो लास्ट वीक मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी का ऊपर में क्लोज करने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट एबल टू सक्सीड एंड मार्केट वेंट डाउन फर्दर। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में नाउ द वीकनेस हैज इमर्ज्ड वंस अगेन बिकॉज डॉलर स्ट्रांग हो गया है और इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह ऑलरेडी वीक थे। लुक एट दिस इज इमर्जिंग मार्केट्स। सो इंडिया एज अ कंट्री, हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट बास्केट का पार्ट है। तो अगर इमर्जिंग मार्केट वीक होगा तो हम हो सकता है कि थोड़े टाइम तक आउट परफॉर्म करें, बट ओवरऑल बेसिस पे एब्सोल्यूट रिटर्न परस्पेक्टिव से अगर इंडिया गिरेगा, अगर इमर्जिंग मार्केट्स गिरेगा तो इंडिया भी गिरेगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स वीक। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में अभी वीकेश undertone है for short term. It has to close above Nifty 200 day moving average for me to get convinced with the market aggressive movement. और Nifty का 200 day moving average तकरीबन 16,750 है तकरीबन. So I mean this was earlier 16,850, but जितना market नीचे रहेगा उतना moving average भी नीचे stretched होगा. तो 16,750 is a very important level for market. अगर मुझे घनघोर तेजी खेलनी है तो मैं उसके ऊपर ही खेलूंगा, नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कुछ एक्शंस है मुझे देखने को मिल रहा है। आई विल प्रॉब्ली इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट अभी का मार्केट के अंदर में जहां डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आई विल ऑलवेज लुक आउट फॉर स्टॉक जिनमें वैल्यू है। और अगर वैल्यू बेस्ड स्टॉक है तो उनमें SIP करना इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग राइट नाउ, बिकॉज हर प्राइस पे आप लेंगे तभी आपका एवरेज बेटर होगा और उन्हीं को लेंगे जिनमें वैल्यू है। करेक्ट, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई करेंगे और उससे ही रिवर्स हो जाएगा मार्केट, इसका सिग्नल अभी कम दिखने को मिल रहा है। सो ओनली बी अ वैल्यू इन्वेस्टर राइट नाउ। मोमेंटम इन्वेस्टर आप तभी बनोगे जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है। ऑलराइट, अब चलते हैं टॉक अबाउट द सेक्टर्स। तो किस किस सेक्टर्स के अंदर में क्या एक्शन चल रही है, तो दीज आर ऑल मेजर सेक्टर इंडाइसेस। सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं। सो मिड कैप, आप देखिए मिड कैप इंडेक्स जो है मार्केट के मुकाबले स्ट्रॉन्ग रहा है काफी दिनों से एंड इट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट हियर, ऑल्दो ये भी नेगेटिव टेरिटरी में है। जैसे निफ्टी इज वीक, सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स इज आल्सो वीक, बट रिलेटिवली मिड कैप इज रिलेटिवली
विजा भी स्मॉल कैप उतना वीक नहीं है। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा, अगर मुझे इंडियन मार्केट में आने वाले कुछ साल के लिए अभी इन्वेस्ट करना है, मोमेंटम ट्रेड करना है, तो मिड कैप में से स्टॉक्स में ढूंढूंगा और उनमें इन्वेस्ट करूंगा। स्मॉल कैप अभी भी हाई रिस्क हाई रिटर्न जोन वाले हैं, मेरे हिसाब से उसमें वेंचर नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप जब गिरते हैं 50-60% तक गिर जाते हैं। मिड कैप्स आर जनरली स्टेबल, जनरली आई मीन लार्ज कैप्स आर द मोस्ट स्टेबल, बट मिड कैप में 25-30% फॉल के बाद वो नहीं गिरते हैं, स्पेशली गुड मिड कैप। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मिड कैप इंडाइसेस से स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें अगर आपको स्टॉक मिले तो अगर जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे उनके अंदर में आप एक्शन देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस मिड कैप, स्मॉल कैप, लुक एट द स्मॉल कैप, इट्स एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स और इसमें अभी हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मे फील लाइक स्टॉक्स आर बिकमिंग चीपर, बट अपनी फीलिंग को कंट्रोल करिए, डू नॉट ट्राई टू वेंचर इन एग्रेसिव स्मॉल कैप बाइंग एट दिस स्टेज। सो कौन से सेक्टर्स है जो अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दोस सेक्टर्स। सो सबसे पहला सेक्टर उसके फेवरेट, या सबसे पहला सेक्टर है नीचे से देखें FMCG। इसके अंदर में चार्ट पैटर्न एक तरह का स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड FMCG मे बी एन FMCG एक ब्रॉडर सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन उसमें स्टॉक स्पेसिफिक हमको एक्शन देखना पड़ेगा। तो FMCG इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑटो हैज बीन स्ट्रॉन्ग फॉर सम टाइम, नंबर्स जो फंडामेंटली ऑटो स्टॉक्स के डेटा भी आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, स्पेशली स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ऑटो सेक्टर के अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वी कैन लुक एट। फार्मा आई डोंट लाइक, अभी स्ट्रक्चरली फार्मा अभी भी वीक टेरिटरी में है, कोविड के बेनिफिशियरी था ये सेक्टर, बट अभी यहाँ से क्या एक बहुत ही घनघोर तेजी इसमें दिखेगी, आई हैव माई डाउट्स। PSU बैंक दिखाता है हमेशा कि ये स्ट्रांग है, बट आप लोग हैं तो इवेंचुअली इसके अंदर में नुकसान ही होता है। तो आई थिंक द ओनली PSU बैंक विच आई हैव बीन सेइंग आई ट्रस्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपको सेफेस्ट प्ले करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुड बी वन ऑफ द स्टॉक यू शुड लुक एट। दो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स है विच आर बेनिफिशियरी ऑफ फॉल इन मेटल प्राइसेस इन इंडिया। अच्छा, मेटल प्राइसेस नीचे क्यों गिरे, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन में आ गई, दे वांट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन इंपैक्ट, तो उन्होंने एक्सपोर्ट वगैरह पे कंट्रोल कर दिया। तो मेटल सेक्टर जो है ऑल्दो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इट हैज नाउ बिकम स्लाइटली डाइसी सेक्टर बिकॉज गवर्नमेंट रियली डजंट वांट द मेटल प्राइसेस टू स्टे अप। और डॉलर जितना जितना स्ट्रांग होता है मेटल उतना वीक होने की पॉसिबिलिटी है ग्लोबल मार्केट्स में। सो मेटल इज अ वेरी डाइसी सेक्टर एट दिस मोमेंट। I think real estate sector is doing good. Real estate is a beneficiary of reduction in the raw material cost, जैसे metals हो गया, या inflation control करने के लिए अगर cement के prices भी कम आ गए तो real estate will be the beneficiary. So I will closely look at real estate because demand for real estate in India is still there. Interest rates अभी भी नीचे है home loan के, तो मुझे लगता है that will not go up in a hurry. तो real estate can be the one sector which you look at. Unfortunately, banks are not firing, and I've been saying this for many times now. कि इंडिया को अगर यहाँ से $5 trillion इकोनॉमी बनना है, तो banks have to take the lead. And NBFC, fintechs, they were questioning the relevance of banking sector, but somehow some of the banks have done very well. Especially ICICI banks of the world have done so well for themselves. But अभी आज के रेट में अभी भी weakness है, तो we have to wait and watch ki kab inme strength aata hai and then we can build the momentum. And finally CNX IT, I think IT is good. Although kuch stocks inme midcap IT mein bahut expensive ho gaye, especially if you look at the PE multiples of those stocks. So let me go to web.stockage and let's talk about the IT sector and few stocks related to IT sector. So I'll go to sector and I will go to IT. So IT, so it's information technology. Yeah, ab IT mein main agar software side mein dekhun, so this is the if you see the P ratio of the stocks, so all these stocks have seen re-rating. TCS, Infosys is now trading at a very high PE. aur agar aap mid cap IT companies ko dekhen jo specialized services mein hain, jaise for example Tata Elxsi hai, या L&T Tech है, एंड Persistent System है, ऑल दीज कंपनीज, Happiest Mind, KPIT, ऑल दीज कंपनीज हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज बिलीव दैट स्पेशलाइज्ड IT सर्विसेज के काफी डिमांड रहेंगे। बट आई थिंक वन नीड्स टू बी वेरी अबाउट किस तरह के IT, मिड कैप IT सेक्टर स्टॉक्स के अंदर में आपको पैसा डालना है। IT शुड डू गुड बिकॉज रुपी जो है
यहाँ से वीक ही होगा, देर इज अ वेरी लो चांस दैट रुपी कैन गो बैक टू 75. चांसेस यही है कि रुपी विल गो टू 80. अगर रुपी वीक होगा तो इंडिया का जो आईटी है, इट इज सपोज टू बी अ बेटर परफॉर्मिंग सेक्टर. तो लुक एट आईटी फ्रॉम हियर. तो कॉन्कोर्स सेक्टर है ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, आईटी एंड अ बिट ऑफ रियलिटी. आई थिंक ये सेक्टर्स को अगर ध्यान दे तो वी विल हैव अ गुड कंट्रोल ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स. बट आई वॉन्ट टू अगेन क्लैरिफाई वन पॉइंट दैट जब तक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, वी आर डूइंग ओनली एंड ओनली वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड दैट टू इन एन एसआईपी मोड. Things like mother stocks or very, very good portfolio of stocks with composition of large cap, mid cap will give you a good basket to invest, maybe 10 stocks or 15 stocks. But unko SIP mode mein hi karna padega, bhi momentum agar play karna hai. So definitely look at only when the market crosses 200 day moving average. So quickly, ek main aapko baat dikhata hun. Agar aapko value investing karni hai, तो स्टॉकेज के अंदर में इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं. यहां से आप स्टॉक्स पिक कर सकते हैं और उनमें वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रेटिंग एंड बेस्ड ऑन देयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. जैसे हिंदुस्तान लीवर अच्छा रेटिंग है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पास में है. एफएल, परसिस्टेंट सिस्टम, बर्जर पेंट्स, डाबर, शीला फोम, ऑल दीज आर कंपनीज जहां पे हमने एनालिसिस करके एक रेटिंग दिया है और उनका स्टॉक प्राइस को हम देखते हैं तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको नजर आती है. तो डू लुक एट द लिस्ट ऑफ स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो स्टॉकेज में होस्टेड है. और अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड इफ यू सी मोमेंटम कमिंग बैक इनटू द मार्केट, स्ट्रेटजीज में यहाँ पे स्विंग बुलिश स्ट्रेटजी एंड बेयरिश स्ट्रेटजीज में कई ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिनमें अभी मोमेंटम हाई है एंड यू मे लाइक टू प्ले द मोमेंटम. बट ध्यान रखिएगा, मोमेंटम तभी खेलना है जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो. अभी भी आप खेल सकते हैं बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मे नॉट बी फेवरेबल. इफ यू आर प्लेइंग मोमेंटम इन द मार्केट देन योर लॉस शुड बी लिमिटेड, सो योर स्टॉप लॉस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड योर टेक प्रॉफिट शुड ऑल्सो बी फास्ट. सो 10% 15% को स्टॉक में मिल जा रहा है लेकिन निकल जाना चाहिए बिकॉज निफ्टी जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, एक कन्विंसिंग लॉन्ग टर्म मोमेंटम मार्केट के अंदर में बिल्ड नहीं होगा. तो यू कैन लुक एट दीज आउटपुट्स फ्रॉम स्टॉकेज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज टू फिगर आउट स्टॉक्स जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बाय द वे, बिफोर आई क्लोज दिस, छोटी सी बात, अब आप स्टॉकेज से अपने प्यारे ब्रोकर के साथ में ट्रेड कर सकते हैं. तो आपको उनके टर्मिनल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहां से आइडिया जनरेट कीजिए और किसी भी आइडिया में जाइए. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट आइडिया में हिंदुस्तान लिवर में गया और सीधा मैं यहीं से उस स्टॉक के अंदर में अब बाइंग सेलिंग कर सकता हूं. यू कैन लॉग इन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ब्रोकर्स व्हिच यू हैव एंड ट्रांजैक्ट फ्रॉम हियर. तो यहां से आप डायरेक्टली अब आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर मुझसे आपको रियल टाइम टच में रहना है और मेरी टीम के साथ में आपको जुड़े रहना है और रियल टाइम सपोर्ट लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए चाहिए, तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन करिए, आज ज्वाइन करिए. स्टॉकेज क्लब में मैं एक्टिव रहता हूं और यहां पे हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सारे डेटा का एक्सेस देते हैं स्टॉकेज का. और एक कम्युनिटी है social.stockage.com. इस कम्युनिटी के अंदर में हम एक्टिवली स्टॉक आइडियाज भी डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम आपको हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं. सो बिकम पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब टूडे एंड एंजॉय दैट रियल टाइम गाइडेंस फ्रॉम अस. Like this, what I am doing right now. So let me summarize. Let me stop the screen share. चलिए summarize करते हैं. तो market थोड़ा dicey है because dollar वापस strong हो रहा है. Yield curve बाहर काफी high है. Inflation भी high है. तो this is definitely not the market where you should expect कि मैं अभी घुसूंगा तो बहुत पैसे बन जाएंगे. ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा डाइसी ने सही मार्केट में रहे. तो बेस्ट टाइम टू डू राइट नाउ इज ओनली वैल्यू इन्वेस्टिंग और वो भी SIP. मोमेंटम अगर राइट करना है तो छोटे मोमेंटम्स पे प्ले करिए बिकॉज स्टॉक्स मे गिव यू फॉल्स ब्रेकआउट्स. बट अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया देन यू कैन थिंक अबाउट ट्रेडिंग एग्रेसिव इनटू द मार्केट. अगर आप कमजोर दिल के हैं और इस तरह का मार्केट आपने पहले कभी नहीं देखा है तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि थोड़ा पीछे रह के देख लिया जाए, समझ लिया जाए. कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. देखिए, ध्यान रखिए हमेशा, व्हाट आई हैव लर्नड इन सो मेनी इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट दैट नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड. ओके, जरूरी नहीं है कि आपको हर समय मार्केट में रहना हो या हर समय ट्रेड करना हो या आपको देखना ही हो मार्केट को.
जैसे पिछले कुछ दिनों से जब से मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला है, मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा मार्केट को देखा भी है, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू एनहेंस माय लर्निंग, दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर मी टू मीट पीपल, कोलैबोरेट विद देम, लर्न फ्रॉम देम एंड ऑब्वियसली बिल्ड नेटवर्क, बिकॉज स्टॉक मार्केट में रियली नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो ये सब मौके आते हैं जहां पर आपको अपने लिए समय मिलता है, जहां आप ट्रेड ओपन नहीं कर रखे हैं। सो डोंट फाइट विद द मार्केट, दिस इज नॉट द मार्केट टू फाइट, नॉट ट्राई टू प्रूव समथिंग फॉर द मार्केट। किसको आप प्रूव कर रहे हैं? ये तो आप ही का पैसा और आप ही हैं, आप ही का समय है, तो उसको हम वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? हम ही को होगा। तो आई डोंट वॉन्ट टू साउंड वेरी ज्ञानी आउट हियर, ऑल आई एम सेइंग दैट दिस इज अ मार्केट विच डजंट डिजर्व टू मच अटेंशन। थोड़ा दूर रह के देखिए मार्केट को, सीखिए, अभी अच्छा समय मिला है। इलन मार्केट्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ है, हमने दिया है, फेस टू फेस है, और इतना कुछ हम कर रहे हैं अपने चैनल पे भी। तो अगर आप सीखना चाहेंगे तो प्रॉपरली सीखिए, इस मौके पे अपने आप को तैयार करिए। शायद ये साल ऐसा ही बीतेगा, बट नेक्स्ट ईयर, ईयर आफ्टर दैट, देर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर मार्केट टू बाउंस बैक। कई बार पॉलिटिकल रीजन होते हैं, कई बार इकोनॉमिक रीजन होते हैं, तो मार्केट डजंट स्टे हियर ऑलवेज and neither market goes up always. So, ये चलता रहेगा. So, use this time to build your skill set and your ability. चलिए, thank you so much. Have a great week ahead and take care of yourself and keep using Stockage. And if possible, become part of Stockage Club. Thank you so much. Bye-bye. Take care.